सभी को गुड मॉर्निंग. आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, सांप, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं. सबके मन में डर भी रहता है, दूर भी भागना चाहते हैं. कुछ कुछ लोग कहा जाता है कि अरे ये लोग तो प्रेमी हैं, मतलब इनको सांप से प्रेम है. तो पर सांप से कोई प्रेम कैसे कर सकता है? बहुत सारी बातें होती रहती हैं. हमारे कैंपस में भी इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएँ, वाद विवाद भी होते आए हैं. तो आज हमारा सौभाग्य है कि केदार भिड़े जी हमारे साथ हैं. आप लोग शायद आप में से कुछ लोगों ने उनको सुना होगा, पहले देखा होगा. मुझे नहीं पता था, पर केदार जी से ही पता चला कि ये होमी बाबा सेंटर में भी पहले आ चुके हैं और टाटा इंस्टीट्यूट से भी, TIFR से भी इनका काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है. तो केदार जी ने 1992 में से सांपों के साथ काम कर रहे हैं. पहले इन्होंने जीव विज्ञान में अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हैफकिंस इंस्टीट्यूट से. उसके बाद ये हैफकिंस इंस्टीट्यूट में ही इन्होंने काफ़ी शोध कार्य किया है सांपों के ऊपर. और सांपों के अलावा अलग अलग तरह के कीट पतंगों से होने वाली बीमारियां जो है इनका मुख्य विषय रहा है. 1995 के बाद इन्होंने कॉरपोरेट इंडस्ट्री में पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि कीड़ों का, बीमारियों का कंट्रोल जो पब्लिक हेल्थ के परस्पेक्टिव से किया जाता है, उसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है. और उन्होंने एज अ कंसल्टेंट काफ़ी कंपनियों के साथ काम किया है. इनफैक्ट अभी उनसे इनसे बात हो रही थी तो काफ़ी जानकारी मिली. तो मलेरिया, डेंगू से लेकर बाकी घर और बागों में होने वाली बीमारियों को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया है. और इनका अनुभव जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, सभी जो जिस तरह से इन जीवों की जीवन शैली चलती है, उस चीज़ को समझने का इन्होंने कोशिश की है अलग अलग मायनों से. और विशेषकर जो लोग पेस्ट कंट्रोल करते हैं, पेस्ट कंट्रोल कंपनीज़, उनकी ट्रेनिंग में भी इनका काफ़ी बड़ा, इन्होंने काफ़ी समय बिताया है. मैनेजमेंट कंपनीज़ के साथ इन्होंने काफ़ी समय बिताया है. और एक इनका पर्सनल शौक रहा है फोटोग्राफी का, और शायद इनके प्रकृति के प्रेम के साथ तो काफ़ी घनिष्ठ रिश्ता रहा है. क्योंकि फोटोग्राफी, आई डोंट नो, ही कैन टॉक मोर अबाउट इट. ही अपना अपने बारे में खुद ही इसके बारे में बताएंगे, हाउ थिंग्स हैव इंस्पायर्ड हिम. पर अभी ये दो, इन्होंने अभी इंडस्ट्री में पिछले साल ही इंडस्ट्री से मूव आउट किए हैं, एक अपना इंडिपेंडेंट संस्थान शुरू की है. एक है कि रेप्टाइल रेस्क्यू, सॉरी, आई हैव टू, रेप्टाइल रेस्क्यू एंड स्टडी सेंटर, मतलब सर्प वर्ग, आई वाज ट्राइंग टू प्रोनाउंस इट. सर्प वर्ग माने जो अलग अलग तरह के जीव हैं, जो छोटे जीव, उनको, उनका बचाव और उनसे इंसानों का बचाव, दोनों एरिया में काम करते हैं. एक अभियान इन्होंने शुरू किया है, ज़ीरो स्नेक बाइट मिशन. इसका मतलब कि सांप के काटने से होने वाली मृत्यु और सांप के काटने से होने वाले जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं, उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाए. जैसे अभी बता रहे थे कि साल में भारत में 2 लाख से अधिक डेथ्स होती हैं, मृत्यु होती हैं सांप के काटने से. और उससे काफ़ी अधिक लोगों के अंग काटने पड़ते हैं जब सांप का काटा जाता है. तो और ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है. और ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सरकारी रूप से या इंस्टीट्यूशनल रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा. जैसे मलेरिया, डेंगू के बारे में हम बहुत चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, दवाइयाँ और रोकथाम के ऊपर भी काफ़ी कार्य हो रहे हैं. बट सांपों की से जो हानि होती है या लोगों को नुकसान पहुँचता है या लोगों के मन में डर है, उसको डील करने का कोई प्रोग्राम्स नहीं है देश में. तो एक काफ़ी बड़ा मिशन इन्होंने चालू किया है देश भर में. काफ़ी अलग अलग संस्थानों और समुदायों के साथ इन्होंने इंटरेक्ट करा है, गांवों में आदिवासी लोगों के साथ. तो ये एक बहुत अलग बैकग्राउंड, एक वाइड बैकग्राउंड से ये आते हैं केदार जी. और आई थिंक बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे अनुभव करूँगा. एक छोटा सा ग्लिच है, इन्होंने बताया कि लास्ट मिनट पर हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया है, तो कुछ शब्द की जो स्पेलिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो उसको थोड़ा ध्यान ना दे, नज़रअंदाज करते हुए आप इनकी बात पे ध्यान दीजिए. थैंक यू सर. हेलो, थैंक यू अंकुश, आभारी हूँ. सबसे पहले
हिंदी में बात कर रहा हूँ पण मराठीत सुद्धा बोलीन, त्यामुळे तुम्ही प्लीज मध्ये मला सांगा काही समजलं नाही तर आपण मराठीत बोलूया. टू ऑल अदर माय फॅकल्टी फ्रेंड्स अँड रिसर्चर्स, माय टुडेज प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी द गार्डन स्टाफ. सो माय कम्युनिकेशन विल बी मोर टू देम, बट प्लीज आस्क मी वेन एवर यू फील दॅट यू नीड टू आस्क मी एनिथिंग ऑन दॅट, बिकॉज आय एम गोइंग टू टार्गेट माय फ्रेंड्स फ्रॉम गार्डन स्टाफ फर्स्ट फॉर ऑल दीज टू अंडरस्टँड देअर प्रॉब्लेम्स अँड टू सॉर्ट इट आउट ऑन दोज. गार्डन स्टाफ तुम्ही सगळे मराठी आहात, मग मी मेजरली मराठीत बोलू. त्यामध्ये ओके समजेल पण तुम्हाला हिंदी नाही तर मला प्रश्न विचारायचा, टेन्शन घेऊ नका, इथे कुठेही काही साप आणलेले नाही आहेत. आणि कॅन आय रिक्वेस्ट एव्हरीबडी टू कम अहेड, देअर इज इट्स लिटिल डिसहर्टनिंग टू सी सो मेनी एम्प्टी चेअर्स, यु नो मला मजा येत नाही बोलायला, मग खूप रिकाम्या खुर्च्या दिसल्या की. जब हम सांपों के बारे में बात करते हैं उसमें अगर ऑडियंस देखा जाए तो मेरे लिए सब कुछ सेम ही होता है, बिकॉज हर एक का नॉलेज सांपों का, अगर आप जब तक उसमें काम नहीं कर रहे हो तो सेम लेवल का होता है. आप गार्डनर हो, आप लेक्चरर हो, आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप सांपों में सच में काम नहीं कर रहे हो तो हमारे अंधश्रद्धाएँ उतनी ही है, हमारे गैर समझूतियाँ जो है वो भी उतनी ही है सांपों के बारे में. और डर तो सबको लगता है, किसको डर नहीं लगता है सांपों के बारे में? इनको डर नहीं लगता है. और कोई डर लगने वाले कितने हैं? चलो ठीक, अभी भी कुछ लोगों ने तय नहीं किया है कि उनको डर लगता है कि नहीं लगता है. बट ये पूरे टॉपिक आज का मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपके मन से, दिमाग से वो डर निकाल लूं और वहां पे आदर लाऊं. मैं आपको प्यार करना नहीं सिखाने वाला हूं सांपों से, जरूरत भी नहीं है. सिर्फ उनका आदर करना सीखो, वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है. सांप हमारे आजू बाजू में है, इसके लिए हमें बहुत सारे फायदे होते हैं. और जैसे इन्होंने कहा, थोड़ा सा मैं डाटा ये कर, अंकुश जी ने 2 लाख जो कहा वो अराउंड 50,000 लोग मरते हैं भारत में सर्पदंश से, बट 2 लाख के आसपास लोग हाथ या पैर काटने पड़ते हैं, एम्पूटेशन करना पड़ता है, बिकॉज गैंग्रीन होते हैं बाइट से, जो पोस्ट बाइट कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं उसमें. बट इसके लिए कम से कम 10 से 12 लाख बाइट होते हैं भारत में हर साल, सर्पदंश होते हैं. उसमें से इफेक्टिव वेनमस जो होते हैं, जहरीले होते हैं, वो कम होते हैं, बट टोटल अगर आप सर्पदंशों की वैसे देखें तो रीज़न क्या है इतने सारे सर्पदंश होने के? रीजन कोई बता सकता है मुझे भारत में? मैं सर्पदंश से शुरू कर रहा हूं क्योंकि सांपों के बारे में तो हम जान लेंगे, बिकॉज सबसे बड़ा डर जो हमारे इसमें है ना, वो सांप काटने से आदमी मर जाता है, ये जो है. और अभी हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है, इतने सच में लोग मरते हैं भारत में सांप काटने से. उसके रीजन जो है, उसकी जो कारण है वो बहुत अलग है. सांप काटना एक घटना हो जाती है, बट अपनी हेल्थ सिस्टम इतनी अभी तक स्ट्रांग नहीं है, पावरफुल नहीं है कि जिसमें ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाए. गांव में लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, मांत्रिक के पास जाते हैं, अस्पताल में पहुंचते नहीं है, और कभी पहुंचे तो डॉक्टर को नॉलेज ही नहीं होता है कि कैसे ट्रीट करें. अगर नॉलेज है तो एंटीवेनम होता नहीं है, जो दवाई लगती है वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नहीं होती है. तो ये बहुत सारे अलग रीजंस है इतने लोग मरने के. ये कोई साइंस नहीं सिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, सांप बाकी जानवरों जैसा एक जानवर है. उसको भी फसलिया है, उसको भी उसका स्कल है, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, बाकी सारे जानवरों जैसे जानवर है. वो कोई अलग जानवर नहीं है कि कहीं से आया हुआ है जो हम डरते हैं मेन कि सांप कुठे तरी कभी मरत नहीं. ऐकले तुम्ही सांप अमर असतो, दाढ़ी वाला सांप, मूछ वाला सांप ऐकले? गारुड्याकडे येतो ना दाढ़ी वाला सांप, नाही ऐकलं? पाहिलंस की नाही? ऐकलंय फक्त. सब लोगों ने सांप देखा है, किसने नहीं देखा है? सब लोगों ने देखा है. तो आपने क्या देखा है? सांप ने देखा है तो पहले आपने क्या देखा है? तो
उसका टंग अंदर बाहर करते हुए देखा है, वो क्या करता रहता होगा, काय करतो, पण काय करतो ती जीभ बाहेर काढून, जिभेने बघतो, डोळ्याने बघतो, जिभेने काय करतो तो, बोल ना, स्मेल घेतो. साप अपने जिह्वा से स्मेल लेता है. वो जो भी निसर्ग में ऑल्फैक्टरी उसको बोलते हैं, सेंस जो बोलते हैं, वो कीमो रिसेप्शन होता है. छोटे छोटे केमिकल के टुकड़े होते हैं अपने स्मेल के, सांप वो कलेक्ट करता है. और वो जब अंदर जाता है तो यहाँ पे एक बोनी कैविटी रहती है जिसको जेकब्सन ऑर्गन कहते हैं, जिसमें वो केमिकल जो भी पार्टिकल्स है जो कलेक्ट किए हुए हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं. और सांप को पता चलता है बाहर चूहा है, आदमी है, दूसरा सांप है. इसके लिए वो अपनी जिह्वा हमेशा अंदर बाहर करते रहता है, वो स्मेल करते रहता है. सांप काट टक तो एकले तुम्हें, सांप अपनी कचड़ी निकालते हैं, मोल्टिंग कहते हैं उसको इंग्लिश में. कितने लोगों ने उसको कभी बाय किया है कुछ मेडिसिनल यूज के लिए, औषध म्हणून विकतात ना सापाची कात, गावात विकतात. आपने किसी ने सुना है कि सांप की जो कचड़ी होती है वो कोई मेडिसिन करके गांव में बेचते हैं लोग, आपने सुना है? सांप का जो स्किन होता है उसका जो बाहर का लेयर जो होता है वो डेड प्रोटीन होता है केराटिन करके. हमारे भी बॉडी पे केराटिन है, हमारे नाखून, हमारे बाल, ये केराटिन से बने हुए हैं. तो सांप का जो बाहर का स्किन का लेयर होता है, त्वचा का लेयर होता है, वो केराटिन से बना हुआ है, वो ग्रो नहीं होता है. बट सांप का शरीर बढ़ता रहता है, इसीलिए उसको अपना वो आउटर लेयर जो होता है बाहर का बाह्य आवरण जो होता है स्किन का, वो निकालना पड़ता है. हर जैसे छोटा सांप है जो बहुत बढ़ता रहता है, उसको महीने में एक या दो बार वो अपनी स्किन निकालता है. अगर बड़ा सांप है जो साल में कम बढ़ता है, बट सांप अगर आप वैसे ही रखोगे तो पूरे जिंदगी भर बढ़ता ही जाएगा, वो कभी रुकता नहीं है. बट नेचर में, निसर्ग में सांप को बहुत सारे शत्रु होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं जो सांप को खाते हैं पकड़ के. सांप को भी अपने जैसे फीवर आता है, कोल्ड होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और उसमें भी वो मर जाते हैं. तो सांप का लाइफ हमें अभी तक मालूम नहीं है, हर एक स्पेसिस का निसर्ग में कितना है. कैप्टिविटी में रिकॉर्ड है हमारे पास, जू में कितना दिन, बट जू में क्या होता है, जू में अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, बट निसर्ग में उससे नहीं होता है. इसलिए सांप का लाइफ थोड़ा, जैसे रैट स्नेक एक 8 से 10 साल तक हमने थोड़ा बहुत जो पढ़ाई की है उसमें 8 से 10 साल तक जिंदा रहता है. कोबरा भी अराउंड उसी सेम, पाइथन ज़्यादा जिंदा रहता है क्योंकि उनका हैबिट्स अलग है सबका जीने का. साप बदला घेतो असं कोणी कोणी ऐकलंय, दुःख धरतो ऐकलंय, पिक्चर मध्ये ऐकलंय, पण तुम्हाला कधी असे वाटत नाही साप बदला घेत असेल वगैरे असं काही, दुःख धरतो वगैरे असं काही वाटत नाही. ये जो स्टोरीज आई हुई है ना, अगर आप थोड़ा सा शास्त्र से उसका थोड़ा सा एक करेंगे तो उसमें कुछ फैक्ट्स है, कुछ अंधश्रद्धाएं है और कुछ साइंस है. जैसे जब ब्रीडिंग का, जैसे दो सांप का मिलन का टाइम होता है, तब जो मादी सांप होता है वो अपने शरीर से फेरोमोन्स छोड़ता है नर सांप को आकर्षित करने के लिए. तो अगर किसी ने वो टाइम पे कोई मादी सांप को मारा होगा और उसके फेरोमोन्स आजू बाजू में गिरे होंगे, तो नर सांप वो ढूंढते ढूंढते आ सकता है वहां पे बदला लेने के लिए नहीं. बट किसी ने देखा होगा कि हमने किसी सांप को मारा हुआ है और दूसरा सांप दूसरे दिन वहां पे देखा है, तो ये कल्पना उसी से आ गई है और कथाएं शुरू हो गई है. तो उसके बाद क्या हो गया कि बहुत लोगों ने जाना कि उसको जलाने के बाद ये नहीं होता है, जलाने के बाद फेरोमोन्स भी नहीं रहते, केमिकली डिस्ट्रॉय होते हैं. तो ये जो हम कभी कभी कल्पित कथाएं, इनका साइंटिफिक बेस पे जब स्टडी करना चाहते हैं तो ये शास्त्र थोड़ा सा दिखता है कि अगर फेरोमोन्स आजू बाजू में पड़े हुए हैं तो नर सांप मेल स्नेक कैन गेट अट्रैक्टेड टू द एरिया वेयर अ फीमेल वॉज किल्ड. बट दिस ओनली हैपन्स इन अ ब्रीडिंग टाइम और अ मेटिंग सीजन, नॉट थ्रू आउट द ईयर. ये मिलन का जो टाइम होता है सांप का, वो साल में एक बार ही होता है. बहुत सारे सांपों का मिलन का टाइम जो रहता है वो ठंडी के बाद फेब्रुआरी मार्च में होता है. ये इसलिए होता है कि उनके जब अंडे, सांपों में दो प्रकार के सांप होते हैं, अंडज एंड जारज, अंडी देणारे आणि पिल्लांना जन्म देणारे. बरेचसे सांप पिल्लांना जन्म देतात, बरेचसे सांप अंडी घालतात त्यातले.
आणि ही सगळी साधारण प्रक्रिया होते ती मेच्या आसपास होते. मे के आसपास एगलिंग होता है या यंग वंस बाहर आते हैं. रीज़न इज कि मानसून शुरू होता है, इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ता है, बाकी जानवरों का पॉपुलेशन बढ़ता है तो फूड बढ़ेगा. मोस्ट ऑफ द मेनी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस पर्टिकुलरली ब्रीडिंग हैपन्स अराउंड द मानसून टाइम बिकॉज दे गेट मोर फूड. इट्स अ साइकिल. एंड उसी टाइम में इसलिए मानसून में क्या होता है, एक तो यंग वंस ज़्यादा बाहर आए हुए रहते हैं, फ्लडिंग बहुत जगह पर रहता है और फूड हर जगह पर अवेलेबल रहता है. इसके कारण हमारी सांपों की विजिबिलिटी भी बढ़ती है. आपने लास्ट एक महीने में जितने सांप देखे होंगे आपके गार्डन में उतने पूरे साल में नहीं देखे होंगे. एंड उसके कारण मानसून के पहले सांप दिखाई जो होती है अपनी वो ज़्यादा बढ़ जाती है. हमारे भारत में अभी 292 स्पेसीज रिपोर्ट हुए हैं सांपों के, उसमें से अराउंड 68 स्पेसीज वेनमस है, जहरीले हैं. 292 पैकी फक्त 68 जाती विषारी आहेत, बाकी सगळ्या बिनविषारी आहेत. आपल्या आजूबाजूला जे साप दिसत आहेत सगळे कॉमन जे आपले आढळतात त्यामध्ये फक्त मूळ 4 प्रकारचे विषारी साप आपल्याकडे आढळतात, बाकी सगळे बिनविषारी आहेत. मी फोटो दाखवेन तुम्हाला नंतर त्याचे. त्यामुळे विषारी सापांची संख्या ही 25% आहे. 25% ही साप जहरीले आहे सारे स्पेसीज में, बाकी सारे जो अदर साप आहे उसमें जहर नाही आहे. ये सारे कल्पित कथाएं. अगर आपको सांप ने डसा है तो आप मरने वाले हैं. अगर सारे सर्प विषधारी होते हैं और मनुष्यों पे हमला करते हैं. एज अंकुश सेड प्लीज डोंट रीड इट देयर बिकॉज वो गूगल ट्रांसलेटर एंड टू PPT दैट होल स्पेलिंग एंड द होल थिंग इज गॉन हेवायर. सो सांप बदला लेते हैं, तंत्र मंत्र आपको सर्पदंश से बचा सकता है. अगर आपके पास नागमणि है तो आप सुरक्षित है. नागमणि देखा है? मैंने एक आदमी से मिला था, उसने 2 लाख रुपए में नागमणि खरीदा था मध्य प्रदेश में पारधियों से. कोई बिलीव करता है नागमणि पे? किसी का बिलीव नहीं है. बट अगर हम जाए कि ये क्यों आया होगा, किसने सोचा है कि ये कथा ये कैसी ओरिजिन होती है, कथा ये क्यों आई होगी? मैं जो बोल रहा था मोल्टिंग जो बोला मैंने आपको, सांप अपनी कचड़ी जो निकालता है काट टक तो सो जो ये आउटर लेयर जो केराटिन से बनी हुई है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.22 है विच इज़ इवन मोर देन वाटर. सो कभी अंधेरे में कोई टॉर्च का लाइट अगर ये स्किन निकला नहीं होगा पूरा सांप के शरीर पे चिपका होगा, अगर मॉइस्चर नहीं होता है तो वो रह जाता है, पूरी तरह से निकलता नहीं है. तो वो उतना ही डायमंड जैसा लाइट रिफ्लेक्ट करता है जितना कोई स्टोन या डायमंड करे. तो जब आप सोचते हो कि कोई कैसा है, बहुत बार सांपों में अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा ना तो पूरा स्किन निकलता नहीं है, उसके पैचेस रह जाते हैं शरीर पे. उसको मोल्टिंग जो इग्डाइसिस करके बोलते हैं साइंटिफिकली, जो मोल्टिंग होता है स्किन का. सो अगर उसमें ब्रेक होता है तो देर आर लॉट ऑफ पैचेस ऑफ स्किन रिमेन्स ऑन द बॉडी स्टक एंड दे डोंट रिमूव. So many times if you put a light, slanting light on this, all these pieces reflects a light. And we have actually taken the piece of skin and measured the refractive index in the lab. So इसी तरह से ये स्टोरी आई होगी. बट कोई भी सांप कोई तरह का भी मणि तैयार नहीं करता है. किसी ने कोई सांप शाइन करते हुए देखा है उसका शरीर का कोई एक डायमंड जैसा बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, और वो कथाएं शुरू हो गई है कि सांप कोई मणि देता है करके. बट कोई भी सांप या कोई भी जानवर किसी भी प्रकार का मणि देता नहीं है. कोई भी सांपों में से श्रीदेवी या कोई औरत बाहर नहीं निकलती है नगीना में जैसे हुआ वैसे. मुंह से चुसकर या घाव स्थल को काटकर पीड़ित के शरीर से विष निकाला नहीं जा सकता है. हीरोगिरी करायचे नसते. हिरोईनला सांप चावला हिरो धावत येतो तोंडाने विष काढून टाकतो असं नसतं. सांप जब काटता है अगर वो जहर डालता है, बहुत बार 50% टाइम जहरीला सांप ने भी काटा तो जहर आपके शरीर में छोड़ता नहीं है. सांपों का जहर डालने में नियंत्रण रहता है, वो हमेशा जहर डालते हैं ऐसा नहीं है. और 50 से ज़्यादा हमने तो देखा है 60% टाइम व्हेन समबडी गेट्स बीटन बाय वेनमस ने, किसी को अगर जहरीले सांप ने काटता है 50 से 60% टाइम जहर छोड़ा जाया नहीं जाता नहीं है शरीर में. आपको कुछ नहीं होने वाला है तब, जिसको हम ड्राई बाइट कहते हैं हमारे लैंग्वेज.
और उसमें हमारे यहाँ पे पूरे मांत्रिक तांत्रिक का जो भी गेम है वो बिकॉज ऑफ दैट इट वर्क्स, उसके लिए वो चलता है। आप सुनो, हमारे गांव में समझो 10 लोगों को सांप ने काटा हुआ है और वो मांत्रिक के पास जाते हैं, 10 लोगों में से ज़्यादा तो आपने देखा कि सांप बिना जहरीले है, तो जहर तो होता ही नहीं है। समझो 5 लोग हैं जिनको बिना जहरीले सांप ने काटा है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। जो 5 लोगों को जहरीले सांप ने काटा है उसमें से जैसे मैंने कहा 50-60% टाइम जहर नहीं छोड़ा जाता है, उनको भी कुछ नहीं होने वाला है। 8 लोग बचने वाले हैं, 2 लोग मरने वाले हैं। मांत्रिक क्या कहता है जो मरते हैं उनके लिए, कि इन्होंने इतने पाप किए थे कि मेरी मंत्र नहीं चली या आप देर से आए। हम 8 लोगों को याद रखते हैं जो बचे हैं, वो जो 2 लोग मर गए उनको नहीं हम याद रखते, और हम मांत्रिकों के पास जाते रहते हैं। एनाकोंडा किसने किसने देखा है? मूवी देखा है? जहरीला सांप है ना बहुत बड़ा। एनाकोंडा साउथ अमेरिका में मिलता है, दक्षिण अमेरिका में जहर नहीं है उसमें कुछ भी। दुनिया का सबसे बड़ा सांप है बट बिना जहरीला है, बट हमने मूवी में देखा है। भारत में एनाकोंडा मिलता नहीं है, भारत का सबसे बड़ा सांप है अजगर। अगर सही समय पर सही उपचार मिले तो कोई भी सर्पदंश से बच सकता है। सर्प का जहर जो होता है वो प्रथिने यानी अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है। आपके अगर मुंह में और पेट में कहीं पे भी जख्म नहीं है, अगर आप सांप का जहर पिया तो आप उसको पचा सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा। सो ये जो विष कन्याएं सांप का जहर पीती है ना, आप भी पी सकते हो। अगर आपको कुछ भी इंजुरी नहीं है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। सांप का जहर जब अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में खून में जाता है तभी वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। कुछ सांप न्यूरोटॉक्सिक है, अपने मज्जा तंतु पे अपाय करते हैं, उनका जहर जो होता है उसमें प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक ऐसे अलग जहर होते हैं जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको पैरालाइज करता है। और हीमोटॉक्सिक जो अपने खून पे चलने वाला जो जहर है कुछ सांपों का, जैसे घुणस है, फुरसा है, जो अपने शरीर जहाँ पे काटा हुआ है वो पूरा सिस्टम हीमोटॉक्सिक होने के कारण डिस्ट्रॉय करती है ब्लड का क्लॉटिंग सिस्टम। तो ये जो प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स है जो अपने वेनम जो बोलते हैं आप उसे, जो खून में जाता है तभी उसका इफेक्ट होता है। खून मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट नेसेसरी ओनली ब्लड। बट अगर आपने उसको मुंह में किया तो कुछ नहीं होने वाला, अगर जख्म नहीं है तो। कोई जख्म है तो उसमें से वो खून में जा सकता है और आपको तकलीफ हो सकती है। ये पार्ट मैंने डाला हुआ है क्योंकि मुझे रूरल एरियाज में इतना नहीं बट अर्बन एरियाज में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। किसी को सांप ने काटा है तो वो पुलिस केस होता है। एज पर आवर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एनिमल बाइट इज अ पुलिस केस। तो मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसके लिए बता रहा हूँ कि बहुत बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग लेके जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नहीं लेते क्योंकि बोलते हैं ये पुलिस केस है, आप गवर्नमेंट अस्पताल में लेके जाओ। दैट इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस टू सेव स्नेक बाइट विक्टिम्स, बट दैट इज़ अ चैलेंज। सर्प के बाहर के कान नहीं होते, सर्प को अपने जैसा सुनाई नहीं देता है। मैं वापस एक वर्ड डाल रहा हूँ, अपने जैसा सुनाई नहीं देता है। बट सांप जमीन से जो वाइब्रेशंस आते हैं वो ले सकते हैं, जो सूंघते हैं स्मेल लेते हैं उनसे भी वो, उनको पता चलता है कोई आ रहा है स्मेल के कारण। उनको बाह्य कर्ण नहीं रहते, सांप के शरीर पे बाल नहीं रहते। सो दाढ़ी वाला सांप, मूछ वाला सांप, ये सारे मदारियों ने तैयार किए हुए कथाएं है। उनकी नज़र अच्छी होती है, सांप को नज़दीक का अच्छा दिखता है। डार्क कलर्स अगर हो गए, डार्क ये हो गए तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से दिखते हैं, बट उनको मूवमेंट जो आपकी हलचल होती है ना वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। अगर सडनली आप कहीं चढ़ गए और आपके सामने आपको सांप दिखाई दिया तो जोर से कुछ जंप मारो या दौड़ने का कोशिश मत करो क्योंकि वो मूवमेंट से सांप को डर लग सकता है और वो भागने के चक्कर में काट सकता है। जैसे मैंने कहा कि उनकी सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, उनको कोई हाथ पैर नहीं रहते, लिम्बलेस है। कोई भी पैर वाला सांप, हाथ वाला सांप आपको नहीं मिलेगा। उनकी
जो मैं अंकुश बोल रहा था ना, वो हिंदी किसी को ट्रांसलेट करने दो तो ऐसे वर्ड डालते हैं ना कि मैंने सुने भी नहीं है। पलक के लिए चश्चोल वर्ड मैंने कल देखा पहली बार, जिसको मैंने दिया था, वो सापाला पापण्या नसता डोळ्यावर, इट डजंट हैव आईलिड्स। साप मिल्क ड्रिंक नहीं, दूध लेता नहीं है। नागपंचमीला कोणी कोणी दूध पाजलंय सापाला? पाजलंय का ताई? दिलाय ना? क्या होता है नागपंचमी के दिन ये जो मदारी आपके पास सांप लेके आते हैं, उनको 6-6, 8-8 महीने पहले पकड़ा जाता है, उनको खिलाया पिलाया नहीं जाता कुछ भी। तो उस दिन सांप इतने प्यासे होते हैं कि अगर आप उनको छाछ पिला सकते हो, कोका कोला पिला सकते हो, कुछ भी पिला सकते हो, पुढच्या वेळी थोडी दारू टाकली तरी पितील। साप परभक्षी होते हैं, वो चूहे, मेंढक, पंछी। हम हमेशा कहते थे कि सांप हमेशा एक जानवर पकड़ के निगलता है, वो टुकड़े नहीं करता है उसके, पूरी तरह से स्वैलो करता है। उसका जो मुंह होता है, वो उसका ऊपर का जो मुंह है वो दो तरह के पार्ट से बना हुआ रहता है जो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो सकता है। इसलिए सांप अपने मुंह से भी बड़ा भक्ष स्वालो कर सकता है, घेऊ शकतो। मोठा प्राणी सुद्धा आपल्या तोंडापेक्षा तो घेऊ शकतो, कारण त्याच्या तोंडाचे दोन्ही जबडे इलास्टिक लिगामेंटनी जोडलेले असतात। तुम्ही किती मोठा आ करू शकता? साप मोठा आ करू शकतो, म्हणून तो मोठं भक्ष्य घेऊ शकतो। अजगर वगैरे, शेळी वगैरे घेतात ना, म्हणून ते मोठं तो घेऊ शकतो। मी तुम्हाला आपल्या आजूबाजूचे सामान्य साप आढळणार आहे, पण मी परत एकदा रिपीट करतो, सापाला हातपाय नसतात। सापाला ऐकू येतं का? नाही। त्याला जवळचं चांगलं दिसतं, तो आपल्या जिभेनी वास घेतो, साप बदला घेत नाही। 75% साप बिनविषारी आहेत, विषारी साप चावला तरीसुद्धा 50-60% वेळा विष सोडलं जात नाही। त्यामध्ये साप दूध पितो का? नाही। साप काय खातो? जोरात बोला। मेंढक, चूहा। अभी बम्बई में हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हम साइंस जैसे कोई कोई रिपोर्टिंग करते हैं ना, और उसका स्टडी होता है, तो हमेशा अपना नॉलेज थोड़ा अपडेट करना चाहिए। हमने लास्ट 10 साल में ये जो सांप अपने अर्बन एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट करते ये देखा हुआ है। चेकर्ड किलबैक, ज्याला मराठीत आपण देंडू किंवा दिवड साप म्हणतो, इट्स अ ॲक्वॅटिक स्नेक, इट रिमेन्स। सो इन बॉम्बे, इन आवर सीवेज सिस्टीम, इन आवर गटर्स, अपने गटर सीवेज में बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट हो गया है। तो वी हैव वीडियो रिकॉर्ड्स ऑफ दिस चेकर्ड किलबैक। ये सांप जो है वो मच्छी मार्केट के बाहर फेंके हुए मच्छी के पीसेस। नाउ वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग दैट स्नेक ऑलवेज कैच इट्स ओन प्रे, स्वालो इट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्नेक्स आर अपॉर्च्युनिस्टिक फीडर्स, नॉट स्कॅवेंजर्स, बट दे आर अपॉर्च्युनिस्टिक फीडर्स। त्यांना काही मिळालं ना तरी ते खातात। मी सापाला फुलपाखरू पकडून खाताना पाहिलं आहे। मी सापाला कोकणातलं कोण कोण आहे इथे? फुरसं माहिती आहे तुम्हाला? सॉसकेल वायपर, विंचू खातो मेनली। सॉसकेल वायपर स्कॉर्पियन खाता आहे बहुत बार। सो दे हॅव अ व्हेरी वाईड रेंज ऑफ फूड। चूहे, मेंढक, पंछी ये तो है ही, बट बहुत सारे इन्सेक्ट्स खाते हैं। सांप सांपों को भी खाता है बहुत सारे। अर्थवर्म को, जैसे शिल्टेल स्नेक जो बोलते हैं, खापर कवल्या सांप, इट इट्स अर्थवर्म्स। सो दे आर अपॉर्च्युनिस्टिक फीडर्स, इफ दे गेट एंड दे फीड ऑन इट, दे टेक इट। मराठी मर्याला डुरक्या घोणस म्हणतात किंवा मांडूळ कायच्या। स्नेक चार्मर्स किंवा मदारी हा साप तुमच्याकडे घेऊन येतात, अँड वो आपको बोलते की इसको दो सर है, एक ये साइड से है, एक ये साइड से है, 6 महिना ये साइड से चलता है, 6 महिना वो साइड से चलता है। कोई भी सांप को ऐसे दो सर होते नहीं है कि जो एक दोनों साइड एक एक होते हैं ऐसे। कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से कोई सांप दो हेड का पैदा होता है, बट उसको एक ही साइड पे दोनों सर रहते हैं, और वो ज़्यादा जिंदा नहीं रहता है क्योंकि दोनों जो सर होते हैं वो एक ही पेट के लिए झगड़ा करते बैठते हैं एक दूसरे को। तो ये ऐसा कोई भी सांप नहीं रहता है। ये क्या करते हैं, इसमें कहाँ सर है और कहाँ पूंछ है आप बता सकते हो, या दोनों सर है? पूंछ कौन सा है, सर कौन सा है? और ये क्या है वो सर ने बराबर कहा है? ये मदारी का सांप है, उसने उसको जला के अगरबत्ती से उसमें आंखों निकालने का ट्राई किया हुआ है, और आपको बताता है
ये दो स्तर है करके। ये भारत का सबसे बड़ा सांप अजगर 20 से 22 फीट बड़ा हो सकता है, बिना जहरीला है। कभी भी अपने भारत में तो कोई भी आज तक घटना नहीं घड़ी है कि किसी आदमी को पकड़ के उसने निगल लिया है करके। तुमच्या गार्डन मध्ये बघता ना हा साप, तुम्ही काय नाव आहे, घोडा पछाड किंवा धामण, इंग्लिश मध्ये याला रॅट स्नेक म्हणतात। त्याच्यामध्ये बिना जहरीला साप है, 10 से 12 फीट बड़ा बैठ सकता है। उसको घोड़ा पछाड़ कहते हैं, लोग बैठते हैं, उसके पूंछ को बड़ा काटा रहता है। कोई भी सांप के पूंछ को किसी भी तरह का काटा नहीं रहता है। ये कभी कोई पकड़ता है तो वो अपनी पूंछ बहुत जोर से झाड़ता है, इसलिए लोगों को लगता है कि वो पूंछ से मार रहा है करके। कोई भी सांप के पूंछ को किसी भी तरह का काटा नहीं रहता है। लोग ये भी कहते हैं सांप के बारे में कि वो गायचा पायाला बैठो या घरून गायचा दूध पीतो, बट कोई भी सांप जैसे मैंने बोला मिल्क या ऐसा कोई ड्रिंक, अगर उसने ट्राई भी किया तो गाय को बहुत सारी जख्मे हो सकती है। कुकरी सांप थोड़ा सा रॉकी और सॉइल एरिया में मिलता है अपने यहाँ पे, बीआरसी में ये सारे एरिया में है बहुत कॉमनली, बट बहुत सारे बॉम्बे के बाकी एरिया से कम हुआ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण। गौत्या सांप और ग्रास स्नेक हरे कलर का रहता है, अपने आजू बाजू के ग्रास में गार्डन में दिखता है। अगेन बिना जहर के सांप दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिन विषारी सांप दाखवतो आहे पूर्ण तुम्हाला। कवड्या सांप, वुल्फ स्नेक, मी जास्ती वेळ घालवत नाही आहे तुम्हाला, कारण तुम्ही किती मी आज शिकवलं तरी तुम्ही उद्या बागेतला सांप ओळखू शकणार नाही आहात। त्यामुळे मी मुद्दा म्हणून तुम्हाला फक्त दाखवतोय की अशा प्रकारचे सांप असतात, पण तुम्हाला सांप ओळखता आला पाहिजे असं नाही आहे। सबको मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि ये लोगों को सांप का फोटो देखने की बहुत इंटरेस्ट रहता है। एक्चुअली ये आधे घंटे में मैं आपको कुछ भी बोलूँगा, ये वुल्फ स्नेक है, ये केदार सांप है, ये अंकुश सांप है, तो भी आप बोलेंगे ठीक है चलो, क्योंकि मेरा आज उद्देश्य आपका सांप का आइडेंटिफिकेशन आपको सिखाना है नहीं। सारे सांपों को एक जैसा ही आदर कीजिए, उनको अपनी जगह पर रखिए। वो जहरीला है बिना जहरीला है आपको कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जिन लोगों को ये जो सिक्के आते हैं ना वो पहले सांप पकड़ने भागते हैं। मैं आपको एक ही कहता हूं कि सांप पकड़ना और ये अगर जरूरत है तो कोई स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाए जो ट्रेंड है और जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रेन किया हुआ है कि ये करने के लिए। सांप आज वाइल्ड लाइफ वन्य जीव कायदा जो है त्याच्यामध्ये सगळ्या सापांना प्रोटेक्शन दिलेला आहे। साप पकडणं, बाळगणं, मारणं हा सगळं कायद्याने गुन्हा आहे। सापों को वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ है एज अ वाइल्ड एनिमल। कोई भी साप को अपने घर पे रखना, उनका व्यापार करना, उनका स्किन का व्यापार करना या उनको पकड़ना या मारना कायदे से गुन्हा है। अभी हमारे एरिया में बहुत बार साप मारे जाते हैं डर के मारे, तो उसमें कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके एक्ट करता नहीं, बिकॉज वो डर के मारे मारा हुआ है, आपने कमर्शियल इंटरेस्ट से नहीं मारा हुआ है या आपने पकड़ा हुआ नहीं है। बट अगर आप लीगली देखा जाए, अगर कोई टेढ़ा कोई आदमी आ गया कि इसने सांप को मारा है, तो वो लीगली आपको पकड़ सकता है, और हमने देखा हुआ है कई बहुत जगह पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसी के लिए बहुत बार पेस्ट कंट्रोल वाले बोलते कि हम स्नेक कंट्रोल करेंगे, वो भी इलीगल है, बिकॉज वाइल्ड एनिमल का कंट्रोल कोई ऑफिशियली ऐसा बिजनेस टाइप कोई कर नहीं सकता है। इसी के लिए हा खूप कॉमन सांप है आपल्याकडचा पांडिवड किंवा देंडू, चेकर्ड किलबैक, उसको पानी के आजूबाजू में मिलता है। थोड़ा सा गुस्से वाला सांप है और बहुत बार जितने सर्पदंश होते हैं मैक्सिमम सर्पदंश ये सांप की वजह से होते हैं, क्योंकि आप उसके नजदीक जाके अगर कोई पकड़ने आए उसके बाजू में पानी भर रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं पानी के यहाँ, तो ये काटने की संभावना ज्यादा रहती है। नानेटी स्ट्राइप किलबैक, पर्टिक्युलरली इन दिस सीजन साप पावसाळ्यामध्ये हा एक साप दिसला की लोक म्हणतात 7 नानेट्या असतात, ऐकलंय तुम्ही कधी? एक बरं आहे, नवीन जनरेशन आहे ना ती डायरेक्ट मुंबईमध्येच आलेली आहे, त्यामुळे त्यांचे बरेचसे जुन्या अंधश्रद्धा जे आहेत ना ते त्यांना माहीतच नाही आहेत काही, मला खूप बरं वाटतं आता मला माहीत नाही म्हणून। पण या नानेट्याला आधी म्हणायचे की एक साप दिसला की 7 ते 8 साप दिसतात,
मेटिंगच्या काळामध्ये बरेचदा एका फिमेलच्या मागे 8 ते 10 नर मेल आप देख सकते हो कभी कभी ये सापों में. मांजरा साप और कैट स्नेक, इट्स आर्बोरियल स्नेक, वो पेड़ पे रहता है, छोटे छोटे झाड़ असतात ना त्याच्यावर अडतो, रात्री बाहेर पडतो, नॉक्टर्नल साप है. ये साप हमारे यहाँ पे बम्बई के आजूबाजू में मिलता नहीं है. नियरेस्ट प्लेस इज गोवा इन साउथ इंडिया. इट्स कॉल्ड फ्लाइंग स्नेक, उड़ने वाला सांप, बट उसको पंख नहीं रहते पंछी जैसे. वो क्या करता है, वो एक बड़े पेड़ पे चढ़ता है, वहाँ से छलांग लगाता है, अपना शरीर कॉनकेव बनाता है और हवा से ग्लाइड करके छोटे जगह पे जाता है. बट वो ये उल्टा नहीं कर सकता कि छोटे पेड़ से बड़े पेड़ पे नहीं कर सकता, वो सिर्फ बड़े से ग्लाइड करके नीचे आ सकता है. बट बहुत अच्छी तरह से 100-200 मीटर मैंने ग्लाइड करते हुए इनको देखा है. हरणटोय वाइन स्नेक, हरणटोय ऐकला है तुम्ही, डोक्याला चावतो, कोणी कोणी ऐकला है डोक्याला चावतो. कोणताही साप त्याने ठरवलं तरी तुमच्या डोक्याला चावेल ना, तरी पण त्या कवटीमधून तो चावू शकणार नाही तुमच्या, त्याचे दात एवढे मोठे नसतात की आपल्या डोक्यामधून आतमध्ये चावू शकेल. ये साप जो होता है वो पेड़ पे रहता है, सो जब भी कोई उसके नज़दीक आता है तो अपने सर के लेवल पे रहता है, कभी भी पेड़ पे ऊपर, और कोई डिस्टर्ब करता है तो अपना मुंह खोल के वही बैठता है ऐसे के ऐसे, तो लोगों को लगता है ये अभी काटने वाला है. ये बिना जहर का सांप है, इसमें ये काटने से भी कुछ होता नहीं है. और बहुत बार जब अपनी गोट्स या बफेलोज या मशी वगैरह चरतात ना, तो गवतामध्ये याला पण खाऊन टाकतात, कळत नाही त्यांना, इतका निरुपद्रवी साप है. तो बम्बई में सांपों की संख्या जो हमने लास्ट 20 साल से हमारे रेस्क्यू रिकॉर्ड्स देखे तो बहुत कम होती जा रही है, बिकॉज ये सांपों को कंटिन्यूस वेजिटेशन कवर चाहिए, कैनोपी चाहिए, जो अपना फ्रेगमेंटेशन होते जा रहा है अभी, उनका हैबिटेट बहुत डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, इसलिए वो कम होते जा रहे हैं. आपने बहुत लोगों के, अगर किसी ने स्नेक लेक्चर सुने होंगे पहले, तो साइंटिफिकली बोला जाता है जहर वाले सांप होते हैं, आधे जहर वाले सांप होते हैं और बिना जहर वाले सांप होते हैं, वेनमस, सेमी वेनमस एंड नॉन वेनमस. साइंस में वो सब ठीक है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो अगर वहाँ जहरीले सांप होते हैं जिनका जहर का आपके ऊपर अफेक्ट होता है, और बाकी सारे सांप बिना जहरीले हैं जिनका आपके ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं होता है. क्योंकि मैंने बहुत लोगों ने देखा है कि अगर आधा जहर वाला सांप है, मीन्स आदमी आधा मरेगा क्या, ये क्वेश्चन बहुत आता है. सी ये क्या होता है, ये जो वाइन स्नेक लोग बोलेंगे सेमी वेनमस है करके, कि उनकी सलाइवा जो होती है वो उनका जो भक्ष है उसके लिए टॉक्सिक होती है, उनका फैंग्स नहीं रहते उनके वो वेनम अंदर डालने के लिए, बट जब स्वालो होता है कोई भी भक्ष, व्हेन दिस स्नेक स्वालो अ पर्टिकुलर उनका प्रे जो होता है, तो वो सलाइवा उनके साथ उनको डाइजेशन में हेल्प करती है, इसके लिए वो टॉक्सिक होते हैं. एंड दोज साइंटिफिकली आर कॉल्ड सेमी वेनमस, बट फॉर अस व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन, वी टॉक अबाउट अवेयरनेस, देर आर वेनमस एंड नॉन वेनमस. सो प्लीज़ आप कभी किसी से सुनेंगे कि सेमी वेनमस है, वेनमस है, नॉन वेनमस है, फॉर लेमैन इट्स अ वेनमस एंड नॉन वेनमस. विषारी साप आणि बिनविषारी साप यातला मुख्य फरक काय आहे, तर विषारी सापांना फँग्स आहेत, जहरीले सापों को फँग्स रहते हैं, एक वेनम डक्ट रहती है और एक वेनम ग्लैंड रहता है, जहर की ग्रंथि रहती है और जहर की नलिका रहती है, जो बिना जहर वाले सांपों में नहीं रहती है. ये जो जहर की ग्रंथि है इज अपनी जो सलाइवा की ग्रंथि है, अपनी जी थूंक तैयार होते हैं ना, तशाच प्रकार से विष तैयार होते, तीस सलाइवरी ग्लैंड मॉडिफाई होकर वेनम ग्लैंड बनी हुई है उसी में. आपल्याकडे चार प्रकारचे विषारी साप कॉमनली आपल्या आजूबाजूला आढळतात, नाग, मण्यार, घुणस आणि फुरस. अपने आजूबाजू में चार तरह के जहरीले साप मिलते हैं अपने कॉमनली, बाकी जो जहरीले साप है वो जंगल में मिलते हैं, अपने शहर के आजूबाजू में या गांव के आजूबाजू में नहीं मिलते हैं. एक है नाग, मण्यार, घुणस आणि फुरस, कोबरा, क्रेट, रसेल्स वाइपर एंड सॉस्केल वाइपर. नाग आप कहीं से भी पहचान सकते हो, अपना हुड निकलता है, फणा काढतो ना साप. फणा म्हणजे काय असतं, तर सापाला जेव्हा तुम्ही डिस्टर्ब करता तेव्हा तो आपल्या शरीरातून आपल्या ज्या बरगड्या असतात एक चैतल्या, तर तो स्प्रेड करतो. हे सगळं तुम्हाला घाबरवण्यासाठी केलेलं असतं.
खूड जो होता है कोबरा का, जो स्प्रेड करता है अपने रिप्स के साथ, वो आपको डराने के लिए करता है। आप सी, कोई भी सांप कैसे होता है, अगर कोई नज़दीक आ जाए तो पहले डराने का ट्राई करता है, अगर फिर भी कोई डरा नहीं है और उसको आके जाके पकड़ने का ट्राई करेगा या मारने का ट्राई करेगा तो सांप रिएक्ट करता है। अभी आप मुझे बोलो कोई आगे आपको सताएगा, आप क्या करोगी? काना खाली मारणार की नहीं? सैंडल काढाल? सापाला काना खाली माराल? हात आहेत पायच नाही आहे तर सॅन्डलचा प्रश्नच येत नाही की नाही? मग त्याला त्रास दिल्यावर तो काय करणार? साप जब कोई तकलीफ देता है उसे तो उसको हाथ तो है नहीं मारने के लिए, पैर भी नहीं है, और भी कुछ उसके पास है नहीं, सिर्फ मुंह दिया हुआ है काटने के लिए, वो एक ही बचा हुआ है उसका। तो सर्पदंश जो होता है वो 100% टाइम बचावात्मक होता है, डिफेंसिव होता है। कोई अगर कोई जाके सांप को तकलीफ दे तो ही सांप वो एक्शन का रिएक्शन करके काटता है। खुद कोई भी सांप आके काटेगा नहीं आपको, अगर आप दूर है उससे, उसको कुछ तकलीफ नहीं है तो कोई भी सांप आपको आके काटेगा नहीं। जब अंधेरे में चलते चलते पैर पड़ जाता है, गार्डन मरे काम करता ना, कापणी करता ना चुकून हाथ किंवा विया लागतो सापाला, तेव्हा साप चावतो। तो नुसताच तुमच्या समोर आहे तो येऊन चावणार नाही कधी त्यामध्ये। सो स्नेक बाईट 100% टाइम इज अ डिफेन्सिव इन नेचर, इज ओनली रिएक्शन टू युअर ॲक्शन। अगर आपने कुछ ॲक्शन अच्छा नहीं किया है तो सर्पदंश होगा ही नहीं। सेकेंड कॉमन सांप मुंबई में बहुत कम है, बट आप थोड़े रूलर साइड पे जाओगे तो ज़्यादा मिलेंगे, क्रेट किंवा मण्यार। निशाचर सांप है, नॉक्टर्नल स्नेक है, रात को बाहर निकलता है, दिन में आपको वो दिखाई नहीं देगा ज़्यादा। ये दूसरे सांपों को खाता है या छिपकली खाता है, बट ज़्यादातर दूसरे सांपों को खाता है। इसके बारे में कुछ अंधश्रद्धा है कि अपने कोंकण एरिया में इसको सूर्यकांडर कहते हैं, कांडर किंवा सूर्यकांडर। सूर्यकांडर का मतलब होता है कि अगर ये काटा तो आप सूरज नहीं देखोगे, सूरज को निकल गया। ये रात को बाहर निकलता है, अगर ये काटता है किसी को और जहर छोड़ता है और अगर सुबह तक ट्रीटमेंट नहीं मिली तो आप सच में सूरज नहीं देखोगे। तो उसी तरह से ये नाम भी आते गए अपने यहाँ पे। हम अभी जब रूरल एरिया में काम करते हैं, डॉक्टर्स के साथ बहुत काम करते हैं, तो हम एक बताते हैं उनको कि हमारे रूरल एरिया में अगर सुबह 6 बजे 5 बजे कोई भी पैरालिसिस का केस आता है तो समझ लीजिए कि वो क्रेट का बाइट हो सकता है, बिकॉज इट गिव्स सिमिलर सिम्टम्स, न्यूरल पैरालिसिस एंड नो अदर सिम्टम्स इन द मॉर्निंग। घोणस रसेल्स वायपर मुंबईमध्ये कॉमनली आढळतो। काया ठिपक्यांच्या 3 पट्ट्या असतात अंगावर, त्रिकोणी डोकं असतं, उसका सर जो होता है वो ट्रायंगल होता है, शरीर पे काले स्पॉट्स 3 लाइन में होते हैं। कभी भी कोई डिस्टर्ब करता है तो अपने शरीर का कॉइल बनाता है और बड़ी तरह से प्रेशर कुकर की सिट्टी जैसा आवाज़ करता है, हिसिंग, वो भी आपको डराने के लिए कि मेरे नज़दीक मत आओ। तो ये सारे सांप आपको थोड़े से आवेदना या संवेदना देते रहते हैं कि मेरे पास मत आओ, दूर रहो। सॉस्केल वायपर और फुरस कॉमन सांप है, बॉम्बेच्या आजूबाजूला खूप कमी मिळतो, बिकॉज सॉस्केल वायपर नीड्स लॉट ऑफ रॉकी एरिया, दगडा असा प्रदेश लागतो त्यांना, त्यामुळे आपल्याकडे तसा कमी मिळतो। सिम्टम्स इथे कोणी थोडं पॅरामेडिकल किंवा फर्स्ट एडवालं कोई है? एनीबडी हू हॅज अ लिटिल फर्स्ट एड नॉलेज और अ पॅरामेडिकल इन द इंस्टिट्यूट? बट फिर भी मैं बोल के रखता हूँ कि कोई भी सांप काटने से, हम डॉक्टर्स को भी यही बोलते हैं कि आप स्पेसिस डायग्नोसिस मत करो, आप सिम्टम डायग्नोसिस करो। हमारे मेडिकल पूरे नॉलेज में या एजुकेशन में डॉक्टर्स को सिखाया गया है 3rd-4th ईयर में कि कौन सा सांप है उसका स्केल काउंट करो, वो भी गलत दिया हुआ है वो बुक्स में, और वो इट्स नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्नेक्स एट अ बाइट लेवल। तो वी आर ट्राइंग टू मूव डॉक्टर्स फ्रॉम स्पेसिस डायग्नोसिस वी कॉल एज इट इज टू सिम्टम डायग्नोसिस। साप कोणता आहे याच्यावर काही महत्त्व नसतं, तर त्याचे सिम्टम्स जर जसं मी तुम्हाला सांगितलं विषारी साप चावला तर विष शरीरात टोचेलच असं नाही,
मग तुम्हाला काही जरूर नाही आहे ट्रीटमेंटची, पण विष शरीरात गेलं, अगर जहर शरीर में गया है तो क्या सिम्टम्स आते हैं, तो कोबरा में जो सिम्टम्स रहते हैं वो है, सॉरी, आपकी जो पलक आपल्या पापण्या आहेत खूप झोप आल्यासारख्या बंद व्हायला लागतात, ड्रुपिंग आयलिड्स कहते हैं जिनको, तो हेवी होते, यू कॅन नॉट ओपन युअर आयलिड्स प्रॉपरली, बोलताना तोंड उघडताना अडखळायला होतं कारण जीभ जड झालेली असते. आपका जो नर्व, सी कोबरा का जो जहर है ना वो अपने नर्व सिस्टम पे, मज्जातंतु पे अपाय करता है, तो अपना पैरालिसिस ज़्यादा दिखता है, फेशियल पैरालिसिस, आपका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है. सो डेथ का रीज़न बहुत बार होता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. अगर हॉस्पिटल में एंटीवेनम भी नहीं है बट वेंटिलेटर अवेलेबल है तो आप किसी भी पेशेंट को जिंदा रख सकते हो जब तक एंटीवेनम अवेलेबल नहीं मिलेगा, बिकॉज रीजन ऑफ डेथ इज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, नॉट द वेनम इटसेल्फ. ब्रीदिंग प्रॉब्लेम, नेक आपल्याला कंट्रोल करता येत नाही, अशी ती पडते सारखं झोपल्यासारखं वाटतं त्याच्यामध्ये. हमारे गाँव में कहा जाता है कि किसी को सांप को काटा तो उसको मिर्ची खाने को दे दीजिए, अगर वो तीखी लगी तो बिना जहरीला सांप है, तीखी नहीं लगी तो जहरीला सांप है. कोबरा और क्रेट में जहाँ पे पैरालिसिस होता है, नर्व पैरालिसिस होता है, उसमें आपका टेस्ट का सेंस चला जाता है, तो आप अगर मिर्ची की जगह पे गुलाब जाम दोगे और भी कुछ दोगे तो भी टेस्ट नहीं लगेगी. बट वाइपर के केस में यू डोंट गेट नर्व पैरालिसिस, वो आपका टेस्ट का सेंस चला नहीं जाता है, और मिर्ची तीखी लगी इसके लिए आप अगर ट्रीटमेंट के लिए नहीं गए तो डेथ हो सकती है. फेस एना इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम, इट्स अ ब्रीदिंग प्रॉब्लेम. रेस्पिरेटरी पॅरालिसिस झाल्यामुळे इथे सलायवा कलेक्ट होते ती, बिकॉज इट्स अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम. पण फेस आणि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम ऑल्सो कॅन बी अ सिम्प्टम ऑफ शॉक, इफ समबडी इज टू मच अफ्रेड, घाबरून सुद्धा शॉकमध्ये ते सिम्प्टम दिसतात. त्यामुळे डॉक्टर्स अंडरस्टँड द रिअल सिम्प्टम्स अँड डिफरन्स बिटवीन प्लासेबो अँड अदर सिम्प्टम्स, पण म्हणून कॉमन माणसांना आम्ही सिम्प्टम्सवर तुमच्यासाठी साप चावला हॉस्पिटलात जायचं, तुम्ही हे सिम्प्टम्स तिकडे बघत बसू नका. काय करायचं सांगेन मी तुम्हाला, फर्स्ट एड काय करायचं, पण तिथे तुमच्यासाठी नाही, सिम्प्टम्स आम्ही डॉक्टर्सना शिकवतो मेनली. फर्स्ट एड क्या करना है, किसी को सांप ने काटा तो फर्स्ट एड क्या करना है, सो रिमेंबर अ इंग्लिश वर्ड आपको मैं बताऊंगा, बट डू इट राइट. राइट वर्ड सबको याद रहेगा, आर फॉर रीअश्योरेंस, आई फॉर इम्यूबिलाइजेशन, GHT फॉर गेट टू हॉस्पिटल फास्ट. काय करायचं साप चावल्यावर, धीर द्यायचा, गतिहीन ठेवायचं माणसाला आणि इस्पितळात न्यायचं. किती सोपं आहे ना फर्स्ट एड सांगा, अवघड आहे, याद रखने के लिए डिफिकल्ट है, धीर देना है, गतिहीन रखना है जिसको काटा है उसको, और अस्पताल लेके जाना है. कुछ ब्लेड से काट के वेनम निकालने का नहीं, कुछ करना है, क्या करना नहीं है उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है. इमोबिलाइज, चालत भी नहीं, इफ यू कैन लिफ्ट इट ऑन द स्ट्रेचर, इफ देर इज नो स्ट्रेचर अवेलेबल, गणपति बाप्पा मोरिया विद द व्हीकल और एनीथिंग. गांव में हो आप, जहां पे गाड़ी अवेलेबल नहीं है, अगर बाइक पे जा रहे हो तो हमेशा तीसरे पर्सन को पीछे बिठाना, इट्स कॉल्ड सैंडविच स्ट्रेचर. हाँ, बिकॉज क्या होता है, नहीं तो बीच में अगर वो कुछ अनकॉन्शियस हो गया या हो गया तो वो गिर सकता है पेशेंट पीछे, इसके लिए. बट इमोबिलाइजेशन, अगर आप बोलोगे मुझे अकेला हूं मैं कहीं पे और मुझे काटा तो क्या करूं मैं, वहीं बैठा रहूं, तो वो नहीं बैठा रह सकते. तो आप जब तक कोई दूसरा आदमी मिलता नहीं है तब तक आप चलते जाओ, भागते नहीं, चलते जाओ. क्या होता है, भागने से अपना खून की सिस्टम होती है वो तेज होती है और जहर ज़्यादा फैलता है, सो वेनम इज सर्कुलेटेड मोर इन दैट. एक हम कहते हैं कि आप हमेशा टाइम नोट करो, अगर बाइट हुआ है किसी को तो टाइम नोट करो. अगर आप अस्पताल में दो घंटे के बाद पहुंचे हो और कोई सिम्टम्स नहीं है तो डॉक्टर भी एंटीवेनम देने की कोशिश नहीं करेगा, वो ऑब्जर्वेशन में रखेगा. अगर आप 20 मिनट में पहुंच रहे हो तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर सिम्टम के लिए वेट नहीं करते, वो इमरजेंसी एंटीवेनम देना शुरू कर देते हैं. एक याद रखिए कि एंटीवेनम बिना जरूरी देना भी अपने शरीर के लिए नुकसानकारक हो सकता है. एनाफिलैक्टिक, उसका रिएक्शन आ सकती है, एनाफिलैक्टिक शॉक आ सकता है.
सो उसी कारण हम डॉक्टर्स को भी कहते हैं कि एंटीवेनम जब तक सिम्टम दिखते नहीं है तब तक दीजिए मत. वेस्टेज होता है एंटीवेनम, इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन. क्या ना करे, जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक कुछ खाने या पीने मत दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे चोक हो सकता है, अटक सकता है गले में. कोई भी शारीरिक क्रिया में करे भाग, हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि सोने मत देना, उसको मारते रहते हैं या उसको जगाने की कोशिश करते, वैसे कुछ भी ना कीजिए. विष को मुंह से निकालने की कोशिश ना करे, घाव स्थल को ब्लेड आदि से न काटे, घाव स्थल को पानी या सोप से साफ न करे. हमने हमेशा सीखा है कि कुत्ते ने काटा या किसी जानवर ने काटा तो सोप से वो क्लीन करो, बट सांप में क्या होता है, अगर वहाँ पे वेनम थोड़ा गया हुआ है और आप जब वो वॉश करते हो या करते हो तो वहाँ पे सिस्टम, ब्लड सिस्टम बढ़ती है तो वेनम ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है. इसके लिए वो मत करो सांपों के केस में. घाव पर कुछ ठंडा या गर्म मत लगाओ और सांप को पकड़ने में या उसको मारने में समय व्यस्त मत करें. किसने किसने सुना है कि अगर काटने के बाद वो दो बड़े दांत हो गए तो जहरीला सांप होगा? किसी ने सुना है मम्मी? ये ऐसे दो बड़े दांत के अगर निशान हो गए तो जहरीला सांप होगा, अगर वो नहीं हो गए तो बिना जहर वाला सांप होगा. ये कब होता है? जब सांप आपके किसी हाथ या पैर को काटता है, आप भी हाथ पैर मुंह नहीं कर रहे हो, आराम से उसको काटने दे रहे हो, तो ही आपको ऐसे मार्क्स नजर आएंगे. जब बाइट होता है तब कोई भी आदमी, औरत, बच्चा, जिसको भी बाइट होता है वो अपना हाथ पैर जल्दी से खींच लेता है, या शूज पहने रहते हैं या पैंट्स होता है, क्लोदिंग होता है, कोई कपड़े होते हैं, तो उसमें से काटता है तो बहुत बार सिर्फ एक छोटा स्क्रैच दिख सकता है. तो ये मार्क्स पे कभी डिपेंड मत रहिएगा. डॉक्टर्स भी देखते हैं बड़े, वो बहुत बार मेरे पास फोटो आते हैं सांप काटने के पेशेंट के, कहाँ काटा है उसके फोटो भेजते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो जहर वाला है या बिना जहर वाला है. मैं वही कहता हूँ, उसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें सिर्फ सिम्टम्स देखने हैं. सांप काटा तो एक ही अपने पास दवा है, एंटीवेनम सीरम प्रतिसर्प विष, जो देने से अगर कोई भी जहर का इफेक्ट है वो कम हो सकता है. ये कैसे बनाया जाता है मालूम है आपको? सांपों का जहर घोड़े के शरीर में चढ़ते क्रम से दिया जाता है, जिसको हाइपर इम्यूनाइजेशन कहते हैं. और वो जब जहर घोड़े के शरीर में, घोड़ा एक जानवर ऐसा है कि जो सांप के जहर के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, फिर जो एंटीबॉडीज बनते हैं तो उसका 8 से 10 लीटर खून निकाल के सीरम सेपरेट करके, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज है जो घोड़े के शरीर से बने हुए हैं, घोड़े के खून से बने हुए हैं, इसलिए उसका अपने शरीर पे नुकसानदायक इफेक्ट भी हो सकता है. तो एनाफिलैक्टिक शॉक आता है ये दवा का, पहले बहुत आता था, अभी बहुत सारे फिल्टरेशन और नई सिस्टम आई है मैन्युफैक्चरिंग में तो एनाफिलैक्टिक शॉक बहुत कम हो गए, बट फिर भी आ सकता है. बहुत बार हमारे रूरल एरिया में डॉक्टर्स एंटीवेनम देने से डरते, इस कारण है कि उसका एनाफिलैक्टिक शॉक आ सकता है. बट उसके लिए मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से दिए है, एड्रेनलिन हाइड्रोकॉर्टिजोन इंजेक्शन से वो मैनेज कर पाते हैं. बट अगर जहर गया हुआ है, सिम्टम्स है आपके शरीर में, तो ये एक ही दवा आपको बचा सकती है. चारों जो सांप मैंने बोले आपको, नाग, घुणस, मण्यार, फुरस, चार ही सांपांच्या विषाविरुद्ध एक ही एंटीवेनम है, पॉलीवेलेंट एंटीवेनम, जो हाफकिन में बनता है, भारत सीरम में बनता है, चार कंपनियां बनाती है भारत में इसका. ये लिटिल एक्सपेंसिव दवा है, इसेंशियल ड्रग्स एक्ट में आता है, सो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया गया है 600 रुपये तक ये करने के लिए. इसका मिनिमम डोज है, अगर बाइट हुआ है वेनम के सिम्टम्स है तो पहले घंटे में 10 वायल जाने चाहिए मिनिमम, एंड अगर वापस सिम्टम है तो और 10 वायल. ये 10 वायल किस तरह से आया हुआ है, तो सारे सांप एवरेज कितना वेनम दे सकते हैं एक बाइट में, वो स्टडी किया गया है, और वो न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एंटीवेनम लगेगा उसका वो डोज आया हुआ है. कंपल्सरी रहता ना चाहिए एज पर एक्ट, एज पर गवर्नमेंट जीआर, इट हैज़ टू बी कंपल्सरी टू, बट बहुत बार होता नहीं है, शॉर्ट सप्लाई में होता है. बट अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं नज़दीक का. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट अ ऐप वेयर ऐप, हम फ़ोन का ऐप बना रहे हैं जहाँ पे एंटीवेनम अवेलेबिलिटी, ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी इन हॉस्पिटल, ये सब आ जाएगा एक साथ, एक 6 महीने में आ जाएगा वो ऐप. रूरल एरिया में हम वेनम एंटीवेनम बैंक्स बना रहे हैं, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव दवा. तो सी यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, आप एक समझ लें कि सर्पदंश बहुत बार इज अ बिलो पॉवर्टी डिसीज. मैं सर्पदंश को डिसीज बोल रहा हूँ, WHO ऑल्सो काउंट स्नेक बाइट एज अ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज.
मच्छर काटने से मलेरिया होता है, डिसीज होता है, सांप काटने से जहर जाके डिसीज होना चाहिए ना, तो इसीलिए इट्स अ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। इंडिया में 50,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं आज, बट गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम कुछ नहीं कर रही है इस प्रॉब्लम के बारे में। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। एक तो वाइल्ड लाइफ वाले बोलते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ का प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देख लेगा, हेल्थ वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं हेल्थ का प्रॉब्लम है, हेल्थ वाले देख लेंगे करके वो प्रॉब्लम को आज इट्स अ लॉस्ट फ्रंटियर ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, कोई नहीं देख रहा है इसी प्रॉब्लम को। हमारे यहाँ एक कल्चर का भाग है मदारी आते कर देते हो। मुझे इतना ही कहना है कि आप कभी भी किसी मदारी को सांप देख के पैसा मत दो, खाना पीना मत दो। हम बहुत सारे मदारियों के साथ भी काम कर रहे हैं कि जिनको अल्टरनेट लाइवलीहुड मिले। सी प्रॉब्लम क्या है, आज बॉम्बे में बहुत काम हुआ है, लोग मदारियों को पकड़ के सांप निकालते थे तो मदारी बॉम्बे में आना बंद हुए, बट अभी वो सांप पकड़ रहे गाँव में जा रहे। तो टिल वी डोंट वर्क ऑन अल्टरनेटिव लाइवलीहुड फॉर दैट कम्युनिटी, इट्स अ इंडियन ओल्ड कल्चर मदारी एंड गारुडीज, दे नीड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड टू कम आउट ऑफ दिस बिजनेस। वो भी हम ट्राई कर रहे हैं बहुत जगह पे। ये मदारिया नागपंचमी में आप जो हल्दी कुंकू घालता ना सापाला, सापाला स्किन रॉट होतो, न्यूमोनिया होतो, डोळे अंधे होतात, हा साप शेपटीचा आलेला आहे, त्याला तोंडासारखा आकार दिला आहे, ह्या तोंड शिवलेला नाग आहे गारुड्यांनी चावू नये म्हणून। बरेचदा गारुडी काय करतात, हे नाक तुमच्याकडे घेऊन येताना त्याच्या तोंडामध्ये लोखंडाची काम गरम करून घालून व्हेनम ग्रॅन त्याची जाळून टाकतात सगळी, आणि आपण त्याला देव मानून पूजा करतो पण तो मरतो साप नंतर। म्हणून जिवंत सापाची पूजा करू नका। आम्ही 20 वर्षापूर्वी मुंबईमध्ये हमने एक ये शुरू किया था, जो भी औरतें शंकर के टेम्पल के बाहर नाग लेके बैठती थी उनको हमें तब कुछ फंड्स मिले तो हमने सिल्वर की आइडॉल दिए थे कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी डूइंग द रिलीजन एंड वर्शिप बट डोंट यूज लाइव स्नेक्स, जिवंत साप वापरू नका। आता मला सांगा, आपण सापाला मित्र का मानतो, सापाची पूजा का करावी असं म्हणतो? अंकुश जी, आप पेस्ट कंट्रोल में बहुत खर्चा करते हो ना साल में, करते हो या नहीं? करते नहीं, मैं नंबर नहीं मांग रहा हूं आपसे, करते हो ना? सांपों को कितना देते हो आप उसमें से? सांपों को नहीं देते, देना चाहिए ना थोड़ा, वो तो चूहे खाते रहते हैं। आप रोडन कंट्रोल के लिए इतना पैसा खर्च करते हो, सांप तो पूरे लाइफ चूहे खाते रहते हैं, देना चाहिए कि नहीं? हमारे अनाज का आज भारत में 27-28% हिस्सा चूहे नष्ट करते हैं। नष्ट करते मीन्स पूरा खा जाते, ऐसे नहीं है, उनकी ड्रॉपिंग्स रहते हैं उसमें तो भी वो ग्रेन आप लोगे नहीं, डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। तो अगर सांप नहीं रहेंगे तो ये 27-28% आज आप चूहों को दे रहे हैं वो 50-80% जाएगा। और चूहा एक जानवर ऐसा है वो हर महीने ब्रीड करता है, हर महीने 4-8 पिल्लों को जन्म देता है। आपने जो धामन देखी, जो आप गार्डन में भी देखते हो ना, वो हर हफ्ते में 1-2 चूहे खा लेती है। अगर आपने 2 चूहे वैसे ही रखे तो 1 साल में वो 2 चूहों से, अगर आप सच में गणित करेंगे 2 चूहों से हर महीना 8, फिर वो जो 10 होते हैं वो हर महीना 8, तो 66,000 रैट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ पेयर ऑफ रैट इन 1 ईयर। सो इफ अ रैट स्नेक ईट्स 2 रैट्स, अ पेयर ऑफ रैट इन अ वीक, हाउ मच कंट्रोल इट्स डूइंग, कितना नियंत्रण कर रहा है, बराबर है ना? इसके लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे ट्रेडिशन में सांपों की पूजा शुरू की। नागपंचमी कब आती है? जब आपका क्रॉप बढ़ता है, कटिंग आता है, तो एक तो चूहों से बचाने के लिए शुरू होता है वो। इसके लिए अभी मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा आपके जो भी है, और फिर बाद में मुझे गार्डनिंग स्टाफ के साथ एक 10-15 मिनट आपके गार्डन में जाना है। मोके आणि विचारा काही प्रश्न असतील तर, इथे कोणी मोठे सायंटिस्ट नाही आहेत, बिंदास विचारा, असतील ना काही प्रश्न? लहानपणापासून गोष्टी ऐकलेत खूप, विचारा ना काही। बरोबर आहे, बांधून
प्रथम एक साधारणपणे 10-15 वर्षापूर्वीपर्यंत आम्ही प्रथोपचार सांगायचो आवयपट्टी बांधा टॉर्निक्वेट बांधा, बट लास्ट 10 इयर्स आम्हाला एवढं समजलेलं आहे की त्या आवयपट्टीचा उपयोग काही होत नाही, म्हणजे नुकसान जास्ती होतं. देर आर स्टडीज डन की वेनम क्वांटिटी बिफोर द टॉर्निकेट अँड आफ्टर द टॉर्निकेट, आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर वन आवर इन ॲनिमल्स, नॉट इन ह्युमन्स एज सच. बट बिकॉज वेनम ऑल्सो गोज थ्रू लिम्फॅटिक सिस्टीम, द टॉर्निकेट डझंट हेल्प सो मच. बट वॉट वी ॲडवाईज मेनी ऑफ द पीपल हू आर वर्किंग इन अ स्नेक पील टू डू द प्रेशर बँडेज. उसके लिए अगर जैसे मैंने इमोबिलाइज करना है हाथ को काटे तो पूरा हाथ हड्डी टूटने के बाद कैसे बांधते हैं, ऐसे पूरा बांध दीजिए बँडेज. पण हे मी कॉमनली सांगत नाही कारण जर व्हायपर बाईट असेल तर ते प्रेशर बँडेज सुद्धा नुकसानदायक होऊ शकतं. सो आम्ही कॉमन लोकांमध्ये सांगताना सांगतो काहीही करू नका, इमोबिलाइज ठेवा, धीर द्या, स्थिर ठेवा हॉस्पिटलला. एनी मोर क्वेश्चन? अक्सर ये क्वेश्चन मैं सोचता रहता, दिस इज अ क्वाइट सटल क्वेश्चन एक्चुअली. सांप जहरीला होता है, वो जब हमें काटता है तो हमारे बॉडी में जहर फैलता है, वी कैन डाई ऑल्सो. अब सांप उसको कैसे रजिस्ट करता है, अगर उसको कोई दूसरा सांप काटे एटलीस्ट उसका जहर तो उस सांप पे चलना चाहिए? मतलब अगर स्पेसीज अलग है, जैसे वाइपर कोबरा को काटे या कोबरा वाइपर को काटे तो वो भी मर जाते हैं. ओके, सी इट गोज इन टू सर्कुलेटरी सिस्टम तो ही मर जाते हैं वैसे. और सांप उसको खुद को कभी है नहीं, वो डाइजेस्टन के लिए यूज होता है. बट कोबरा अगर कोबरा को काटे तो हमने देखा हुआ है, अभी तक बहुत सारे स्टडीज बाकी है, बट देखा हुआ है कि कोबरा को काटे तो मरता नहीं है, बट अगर वेनम अलग है तो मर जाता है. तो मतलब अपने वेनम के लिए वो इम्यून डेवलप कर लेते हैं kind of. और होगी उसके शरीर में, वो क्यों होगी कैसे होगी अभी तक उसका बहुत स्टडीज बाकी है. बिकॉज इसमें जो स्टडी हुए है ना उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स बहुत है. हमने ये देखा है, मरे हुए भी देखे हैं सेम सांप काटने से. तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर काटने के बाद जहर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, और वो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है इन रियल लाइफ में. यस सर, जब तक आप सिम्टम्स नहीं देखते हो. सो अनदर क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम अ मिथ फ्रॉम माय चाइल्डहुड एक्चुअली. हम जब सांप मारते थे तो वो लोग मतलब आसपास के लोग हमें यही बोलते थे कि बेटा खाली मारो मत, उसको जला दो, क्योंकि अगर खाली मार के छोड़ दोगे तो उसके आँख में तुम्हारे पिक्चर्स कैप्चर हो जाते हैं एंड फिर उसके रिलेटिव्स आएंगे एंड दे विल ट्राई टू रिवेंज. ठीक, रिवेंज. लेट मी एक्सप्लेन दैट बिकॉज आई सेड दैट अर्लियर बट आई मे बी सेइंग इन हिंदी मराठी. इन अ ब्रीडिंग टाइम फीमेल स्नेक रिलीजेस फेरामोन्स एंड दैट टाइम अ मेल स्नेक कैन गेट अट्रैक्टेड टू दोज फेरामोन्स इफ यू हैव किल्ड द फीमेल स्नेक. But what happens when you burn it, those pheromones are going to get destroyed and the snake may not come there. So maybe somebody would have learned that if we don't burn it, they may have seen in the breeding season some other snake coming there. Coming. If you burn it, you don't see a snake. But this all thing needs one small occasion somewhere where the stories start developing, you yes, know. Yes. So we are just trying to today, the 1,000-year or more than that year old superstitions, if you try to understand scientifically today, I can only think about pheromones, and when you burn them, the chemicals get destroyed and the snakes don't come. Maybe somebody would have learned it that time. Okay, thank you. Are there any measures to minimize encounters with snakes? Many. We always say prevention is always better. स्नेक्स आर गोइंग टू बी अराउंड. सांप आपले आजूबाजूला अपने आजूबाजू हमेशा रहने वाले हैं. बिकॉज जहाँ हम रहते हैं वहाँ चूहे रहते हैं और उनको अच्छी तरह से खाना मिलता है. हमारे बिल्डिंग के आजूबाजू में गार्डन्स में उनको छुपने के लिए अच्छी जगह मिलती है. दे आर वाइल्ड एनिमल्स तो दे आर गोइंग टू बी देयर, वो वहीं पर रहने वाले हैं. तो आप जब आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखेंगे तो 2-3 चीज़ें आपको करने की, आपका जो चलने के रास्ते है वो क्लियर होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए. अगर वहाँ ग्रास बहुत बड़ा हुआ है तो उसको कम कर दीजिए. विजिबिलिटी होनी चाहिए आजू बाजू में, आप जहाँ पे भी चल रहे हो अगर अंदर में. रात को लाइट अच्छी होनी चाहिए अगर रात में कोई चल रहे हैं तो. आपके आजू बाजू में डेब्रिस कम होना चाहिए जहाँ पे सांप को छुपने के लिए जगह मिले. जैसे मैं देख रहा था आजू बाजू में बहुत सारे पुरानी जंग्स पड़े हुए हैं, चूहे भी वही रहते, सांप भी वही रहते. तो क्लीनलीनेस इज, वी ऑलवेज से क्लीनलीनेस इज अ गॉडलीनेस, बट क्लीनलीनेस स्वच्छता आपको हेल्प करेगी सांपों को भी दूर रखने के लिए.
हम गांव में कहते हैं कि आप अगर खाने का कुछ चीज़ें सब स्टॉक एक जगह पे रख रहे हो तो सोने की जगह वहाँ से दूर रखो, क्योंकि वहाँ पे चूहे आ सकते हैं रात में, उसके पीछे सांप आ सकते हैं। बट आपके इंस्टीट्यूट में आप अगर गार्डनिंग स्टाफ पर्टिकुलरली, आप जब गार्डन में चल रहे हो, कितने पास लोग गमबूट यूज़ करते हो या शूज़ यूज़ करते हो, रात को चलते समय टॉर्च कौन यूज़ करता है, और आपके जो रास्ते हैं ना, वीड्स वहाँ पे अगर बड़े हुए हैं, ग्रास बड़ा हुआ है, तो वो क्लीन कर लीजिए। आपको विजिबिलिटी, सी सांप काटता कब है, कोई अनजाने में पैर देता है या ऐसा होता है तब, आपको अगर सांप दिखाई देगा उसको अपने रास्ते से डाल गए आप अपने रास्ते से जाओ, बट विजिबिलिटी होनी चाहिए। छुपने की जगह कम होनी चाहिए, जो ये सारे डेब्रीज या रॉक के अगर हिप रखे हुए हैं तो उसको कम कर दीजिए अगर ज़रूरत नहीं है तो। अगर कहीं स्टॉक की ज़रूरत है, कोई मशीनरी है इंजीनियरिंग की ये है, तो उसको पैलेट्स पे स्टोर करो तो नीचे से क्लीनली दिखाई देगा आपको रेगुलरली थोड़ा सा। तो बेसिकली वी ऑलवेज से डिनाई एंट्री, डिनाई शेल्टर, डिनाई फूड। चूहे कम करने, बर्ड नेस्टिंग, अगर पिजन के बहुत सारे नेस्टिंग है आपके यहाँ पे तो वो कम करने, उसके खाने के लिए एग्स खाने के लिए पंछी सारे सांप आ सकता है। डिनाई शेल्टर, आप जो भी उसको छुपने की जगह, आपके पास पत्थरों के ढेर पड़े हुए हैं, पुराने फर्नीचर पड़ा हुआ है, डेब्रिस पड़ा हुआ है, आपका जो लीफ लिटर होता है वो रेगुलरली एक जगह पे अगर जमा होकर जा नहीं रहा है, अगर वैसे ही वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहाँ सांप रहने की शक्यता है ज़्यादा रहती है। एंड डिनाई एंट्री, वो आप कर नहीं सकते हो, आपका कंटिन्यूस फॉरेस्ट पैच जैसा ही है यहाँ पे, तो डिनाई एंट्री मुश्किल जाने वाला है आपको। बट अगर ट्रेंचेस कहीं पे बहुत आपको बहुत सांप दिखाई दे रहे हैं तो आप एक 4 फीट का ट्रेंच वहाँ पे कर सकते हो, 1 फीट वीड्थ में कंक्रीट में, जिसमें सांप जनरली आने का ट्राई नहीं करेगा। वो सी सांप चलता कैसे है, तो अपने जो भी स्केल्स रहते हैं वेंट्रल और रिब्स, उसके सर वो क्रॉल करता है, तो अगर वहाँ पे बहुत स्लिपरी और स्मूथ सरफेस है तो सांप वहाँ पे ठीक तरह से चल नहीं पाएगा, तो वहाँ पे आने की कोशिश नहीं करेगा। बट एक याद रखिए कि वो जानवर है, जंगली जानवर है, तो कभी उसका आपने एक बीच में व्हाट्सएप पे वीडियो आ रहा था, कोई स्टिक है फार्मर्स की स्टिक जाके वाइब्रेट पे किए, वो कब होता है, एक तो पहले उसके पीछे बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक ज़्यादा है देन साइंस। अगर कोई ऐसे साउंड वाइब्रेशंस, उसके लिए आपको सॉइल जो रहती है वो ड्राई लगनी चाहिए, तो खेती में तो ड्राई सॉइल होती नहीं है, तो वाइब्रेशन जाने वाले नहीं है आफ्टर 2 फीट उसके लिए, तो सांप को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है वहाँ पे डेजर्ट करने वाले। तो ये सारे जो रेपेलेंट्स है वो कभी काम करते 10% टाइम, जहाँ पे अगर सांप बाजू में ही है तो, बाकी जगह पे नहीं काम करते, तो उसके पीछे कभी जाइए मत, वो सिर्फ मार्केटिंग गेमिंग ज़्यादा है। स्नेक रेपेलेंट जो मिलते हैं वो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्योंकि हमारे यहाँ फार्मा फोरेट यूज़ करते हैं पेस्ट कंट्रोल वाले बहुत बार, बट उस इट किल स्नेक्स, अगर सांप उसके ऊपर से जाता है तो उसका स्किन बर्न होता है, और फोरेट डालते उससे भी सांप मर सकता है, तो आप ऐसे पेस्टिसाइड यूज़ मत कीजिए सांपों के लिए। एक याद रखिए कि जब हम रेस्क्यू करते हैं किसी को बुला के, सांप अपने गार्डन में एक सांप मिला उसको पकड़ के और कहीं छोड़ दिया, तैसा तुम्हारा एक अगर मैं उसको अपने ह्यूमन कल्चर के साथ कंपेयर करूँ, तो कोई एरिया में एक भाई होता है, दादा होता है, बराबर है, अगर वो मर जाए या उसको कहीं लेके जाए तो दूसरा दादा तैयार होता है ना, तो वैसे ही जानवरों में बहुत बार टेरिटोरियल होते हैं, अगर एक सांप कहीं से वहाँ निकल जाए तो वो टेरिटरी एम्प्टी हो जाती है, तो दूसरे वहाँ सांप आने का ट्राई करते हैं, तो आप बहुत बार एक सांप को पकड़ के ले जाने में वहाँ 3 से 4 और सांप आ जाते हैं। हम 25 साल से रेस्क्यू कर रहे हैं बॉम्बे में, हर साल उतने ही रेस्क्यू कर रहे हैं, उतने ही कॉल आ रहे हैं, कम भी नहीं हुए ज़्यादा भी नहीं हुए। सो दिस ट्रांसलोकेशन, जो यहाँ से पकड़ के और कहीं छोड़ जाए, सांपों में भी होमिंग इंस्टिंक्ट होता है, जैसे बिल्ली में या कुत्ते में होता है ना, कहीं छोड़ पे आ जाए तो वापस आ जाता है, तो बहुत सारे सांप भी ऐसे छोड़े हुए अपने वापस पुराने एरिया में आने का ट्राई करते हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अगर आप एक सांप को अगर आपके यहाँ पे दिख रहा है उसको आप कोएग्जिस्टेंस करें तो दोनों के प्रॉब्लम कम हो जाएंगे और सांप आएंगे नहीं, आपको भी मालूम है वहाँ पे सांप है तो आप ख्याल रखोगे चलते समय काम करते समय। हाफकिन इज 5 years एंड अदर कंपनी इज 4 years, एंड दिस इज अ लियोफिला इज 1, सो इट्स अ पाउडर फॉर्म एंड यू डोंट नीड रेफ्रिजरेशन, यू कैन कीप इट एट रूम टेम्परेचर, बट इट हैज टू बी ओनली गिवन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर।
हमारे यहाँ पे है ना दामन ज़्यादा है स्नेक्स, और उसके साथ में दूसरा जो अफ्रीकन स्नेल जो है उसका भी पैदाइश ज़्यादा है, तो क्या ये सांप है इसको खा नहीं सकता है क्या? नहीं खा सकता है, ये अफ्रीकन स्नेल जो है वो एग्जॉटिक एनिमल है इंडिया के लिए। अफ्रीका से 100 साल पहले किसी ने आके, एक बेंसन करके ट्रैवलर था, उसने उसको छोड़ दिया कलकत्ता में, और वो फिर आज ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर पेस्ट हुआ हुआ है। नेचुरल प्रेडेटर नहीं है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, अफ्रीका में है बट इंडिया में नहीं है। नाउ गेटिंग दोज प्रेडेटर्स रिलीज इन इंडिया विल बी अ प्रॉब्लम अगेन, बिकॉज दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। बट फॉर जायंट अफ्रीकन स्नेल द ओनली थिंग इज अ फिजिकल किलिंग। आप उसको चुने के पानी में डाल सकते हो या मोरचूद कॉपर सल्फेट स्प्रे कर सकते हो तो कम हो जाएंगे। सॉल्ट पानी में भी मर सकते हैं अगर बट बहुत सॉल्ट डालना पड़ेगा, वो इकोनॉमिकल नहीं होता है उसमें। बट चूने का पानी काम करता है जायंट अफ्रीकन स्नेल में अच्छी तरह से। बट चूहे खाते हैं जायंट अफ्रीकन स्नेल को। सर एक चीज़ पूछना था, मौसम का भी इफेक्ट पड़ता है क्या सांपों का? जैसे बहुत पड़ता है मौसम का इफेक्ट। सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठंडे रक्त का या ठंडे खून का जानवर हम उसे बोलते हैं। आप बाहर ठंडे है तो आपका शरीर गर्म रहता है कि नहीं? सांपों में वैसा नहीं होता है। सांपों का शरीर का टेम्परेचर जो रहता है वो खुद नियंत्रण नहीं कर पाते, वो उनको बाह्य घटकों पे अवलंबन रहना पड़ता है अपने शरीर का बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करने के लिए। तो अगर बहुत गर्मी है तो उनको ठंडी जगह पे जाना पड़ेगा, बहुत ठंडी है तो उनको गर्मी में आना पड़ेगा। पर्टिकुलरली जो गार्डन में काम करते हैं, आपको ठंडी में सुबह धूप में सांप ज़्यादा दिखेंगे, सेकने के लिए बाहर आते हैं इसके लिए। अगर समर में आप जब गार्डन को पानी डालते हैं उसके बाद आपको सांप ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि पानी डालने से ठंडा हो जाता है गार्डन। हमारे शहर में गर्मी में नियरली 20-30% रेस्क्यू कॉल जाते हैं, वो सांप हमें एसी में मिलता है, एसी डक्ट में, ठंडी में बॉयलर के बाजू में, हॉट प्लेट्स फैक्ट्रीज में हॉट प्लेट्स के बाजू में सांप मिलते हैं। आप गाँव में जाओगे तो ठंडी में चूल्हे के बाजू में सांप मिलते हैं। तो हम जब गाँव वालों को सिखाते हैं कि वो जो अभी भी चूल्हे यूज़ होते हैं जहाँ पे जो ऐशेस रहती है वो साफ़ करते हैं सुबह, तो वो हाथ से साफ मत करो, झाड़ू से साफ करो, छोटी छोटी चीज़ें हम वहाँ पे उनको सिखाते हैं जिससे बाइट कम। लकड़ी जब निकालते हो खींचते लकड़ी के मोले से तो वो हिला के निकालो। तुमच्यासाठी पर्टिक्युलरली तुम्हाला जेव्हा कटिंग करायचं असतं गार्डन काही मेंटेन करायचं असतं, करता का तुम्ही कापणी करता काही? कोण करतं कापणी? गार्डन हे हाऊसकीपिंग आहेत का? सॉरी, कापणी करता तुम्ही झाडाची गवताची? काठीने हातात एक काठी ठेवा, पहिल्यांदा हलवा तिथे आणि मग कापणी करा, सॅनिटाईज करा तो एरिया पहिल्यांदा, की साप असेल तर निघून जाईल तिकडे। तुम्हाला एक आय विल टेल यू वन एक्झाम्पल। मी एक हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा 42 गाँव में एक प्रोजेक्ट किया था 4 साल पहले। वहाँ पे एक साल ग्रास कटिंग वुमन के इसमें 42 विलेजेस में 72 बाइट्स थे, और सब हाथ पे बाइट्स थे वेनम स्नेक के इसमें। तो हमने उनको एक ही सिखाया जाके कि आप घर से निकलोगे तो 2 कलरफुल दुपट्टा लेके निकलो, हाथ में वो काटने का तो ये रहता है और एक स्टिक रहता था, जहाँ काटना है घास जाके वहाँ पे एक पे एक दुपट्टा रखो, 15 चल के जाओ 15 पैर और एक दुपट्टा रखो, उसके बीच में पहले स्टिक डालो और 2 बार चलो, और उसके बाद सिर्फ 2 दुपट्टे के बीच में घास काटना है, और ये रिपीट करो। एक साल के बाद एक भी बाइट नहीं था ग्रास कटिंग। इट्स जस्ट चेंजिंग ऑफ सर्टन हैबिट्स। तो आप भी वही करो, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इसलिए कि आपका अगर मुझे मालूम है कि आप क्या काम करते हो जिसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वी कैन अवॉइड इट। हम खेती में भी काम करते लोगों के साथ, राइस इसमें और इसमें, कि वो कटिंग करते समय कैसे करे, वी आर ट्राइंग टू डेवलप डिफरेंट मैकेनिज्म्स एंड मेथड्स फॉर देम, बिकॉज आप कितना भी बोलो ना, लोग गम्बूट नहीं पहनने वाले जाके, वो डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बार लोगों को चलने के लिए। तो कम से कम शूज़ तो पहनो, रात को टॉर्च लेके चलो। डू वी हैव अ साउंड सिस्टम हियर? मींस मैकबुक का वो चलेगा? आई वुड लाइक टू एंड विथ वन सॉन्ग पर्टिकुलरली।
करूँ कौन? फेमस सॉन्ग होता ना सोनू, तो मैं हम लोगों ने व्हाट्सएप पे सॉन्ग बहुत सारे रूरल एरिया में अभी बहुत पॉपुलर हुए हैं कि सांप या सर्पदंश से आपको कैसे अवॉइड कर सकते हो, ये वही सॉन्ग में बताया गया है। सोनू तुला मायावर भरोसा नाही का? नाही का? सापाचे काणे कसे उंदीर, उंदीर सैताचे होते कसे मंदिर, मंदिर करतो आपल्या अन्नाचे रक्षण, त्याच्या आयुष्याचे नका करू भक्षण, भक्षण सापाचा वेटोळ कसा गोल गोल, गोल गोल आता तरी सापाशी गोड बोल, गोड बोल सोनू तुला मायावर भरोसा नाही का? नाही का? फार थोडे साप विषारी, विषारी किती तरी बिन विषारी, बिन विषारी चावला तरी बरेचदा सोडत नाही विष, सोडत नाही विष विषाची लक्षणे नका करू मिस, नका करू मिस मंत्रिकांचे करूया चला पोल खोल, चला पोल खोल आता तरी सापाशी गोड गोड बोल, गोड गोड बोल सोनू तुला मायावर भरोसा नाही का? नाही का? सर्पदंश आहे एक अपघात, अपघात झाला तरी काढू नका वरात, वरात पटकण्यात आला इस्वी ताळात, इस्वी ताळात प्रतिसर्प विष दिले जाईल वेळात, दिले जाईल वेळात त्याचा जीवाचा आहे किती मोल मोल, मोल मोल आता तरी सापाशी गोड बोल, गोड बोल सोनू तुला मायावर भरोसा नाही काय? नाही काय चावला कुणाला जर साप साप, साप साप लावू नका कुठे त्याला चाप चाप, चाप चाप ठेवा त्याला एकदम स्तब्ध, स्तब्ध धीराचे बोला दोन शब्द, शब्द 108 ला लावा फोन फोन, फोन फोन अँब्युलन्सचा दिवा कसा गोल गोल, गोल गोल आता तरी माझ्याशी गोड बोल, गोल बोल सोनू तुला मायावर भरोसा नाही का? नाही का आजूबाजू नका करू कचरा, कचरा सापाला मिळतो लपायला आसरा, लपायला आसरा पाना पाचोळा करा साफ साफ, साफ साफ टॉर्च आहे अंधाराचा बाप बाप, बाप बाप टॉर्चचा उजेड कसा गोल गोल, गोल गोल आता तरी सापाशी गोड बोल, गोड बोल सोनू तुला मायावर भरोसा नाही का? नाही का सोनू तुला मायावर भरोसा नाही का? नाही का आता तरी सापाशी गोड बोल, गोड बोल गोड बोल गोड बोल गोड बोल गोड बोल गोड बोल अरे गोड बोल ना थँक यू तुम्हाला पाहिजे असेल हे गाणं तर मी मॅडमकडे देऊन ठेवतो व्हॉट्सअपवर पाठवून ठेवतो प्लीज फॉरवर्ड करा ओके सो आई थँक केदारजी फॉर द सेशन एंड वी क्लोज द सेशन नाउ बट आप लोगों में कोई केदारजी से बात करना चाहते हैं तो ये कुछ देर के लिए यहाँ पर है और गार्डन में थोड़ा वॉक लेंगे तो आप लोग रुक सकते हैं बाकी हम ये सेशन खत्म करते हैं